औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि विभाग प्रदेश भर के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयासरत है। भारतवर्ष में कौशल विकास के क्षेत्र में अभी हाल ही के कुछ वर्षों में कार्य हुआ है, इससे पूर्व इस क्षेत्र को महत्व नहीं दिया जा रहा था। वे आज जींद के आईटीआई प्रांगण में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सौजन्य से आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर विशेष तौर पर शिरकत करने के लिए आए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जींद के उपायुक्त अमित खत्री ने की। हालांकि इस आयोजन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को शिरकत करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं आ सके। विभाग के निदेशक ने ये युवाओं से आह्वान किया कि उनका उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना ही नहीं लक्ष्य होना चाहिए, बल्कि इनके साथ साथ भविष्य में स्वरोजगार मुहैया करवाना भी लक्ष्य होना चाहिए, ताकि अन्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आईटीआई का भी यही मुख्य उद्देश्य है। जीन से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। लिया है कि हम हर एक जिले स्तर पर जॉब मेले का प्रारंभ करें, रोजगार मेले लगाएं। उसी कड़ी में आज जींद में रोजगार मेले लगाया गया है, और जिससे कि कई बार क्या होता है कि सभी कंपनियां गुरुग्राम या फरीदाबाद जैसे जिलों से तो भारी संख्या में बच्चों को ले आते हैं, बट हमने सोचा कि सभी जिलों में इस तरह कार्यक्रम किया जाए जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रवेश के बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिले। तो आज लगभग 2500 से अधिक बच्चों ने इसमें भागीदारी की है।